Hello everyone, welcome back to my channel, and today is a very special day. Oh my god, no. Yaar, so mujhe basically COVID-19 ho gaya, theek hai. And for a few days, basically a couple of days, this room is all I have, theek hai. So क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आएगा कि हाउ डिड आई गेट कोविड. तो इसका जवाब मैं बाथरूम में देता हूँ. थोड़ा सा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आपको भी मिल जाएगा और मुझे भी मिल जाएगा, ठीक है. लेट्स गो टू द बाथरूम. बीच में जब मेरी खिड़की से आप उठते हैं, दरवाजे की तरफ आते हैं, तो ये एक डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, ठीक है. और इसके अंदर मैं अब भरूंगा पानी, क्योंकि यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड इफ यू हैव कोरोना. खैर, तो अब हम रास्ते में पानी भरने लगे हैं. चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, डिस्पेंसर वाला एनवायरनमेंट अभी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ. तो ये है मेरा तीसरा एनवायरनमेंट इन द बाथरूम. यू गाइस वोंट प्रॉबली लाइक इट, बट दिस इज माय लाइफ फॉर अ फ्यू डेज नाउ, सो बेयर विद मी, ठीक है. तो क्वेश्चन था कि मुझे कोरोना हुआ किस तरह. तो पिछले कुछ हफ्तों से मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल कर रहा था, नॉर्मल से ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे ट्रैवलिंग के दौरान हुआ. ऑल्दो आई वाज वेरी केयरफुल, आई रियली ऑनेस्ट, आई वाज रियली रियली केयरफुल, बट फिर भी हो गया. यू नो, आप बहुत चीज़ों से बच जाते हो, बट एक बहुत छोटी माइनर मिस्टेक जो आपसे होती है वो उसका अंजाम बन सकती है, यू नो. तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, पीपल नॉर्मली नो हाउ दे गेट कोरोना, बट आई डोंट नो हाउ डिड आई गेट कोरोना. आई ब्लेम इट ऑन द ट्रैवलिंग, बट यू कैन स्टॉप योर लाइफ, राइट. यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू डू क्वाइट सम थिंग्स, यू नो. आपको बस एसओपीज फॉलो करनी है, जो मैं करता था, बट फिर भी मुझे हो गया. सो यू गाइज हैव टू बी रेगुलरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अगर आपको कोरोना हो जाता है, अल्लाह ना करे हो जाता है, तो यू हैव टू जस्ट नॉट स्ट्रेस. फर्स्ट फ्यू डेज आई स्ट्रेस्ड अ लॉट, बट नाउ आई एम चिल, आई एम मेकिंग अ ब्लॉग एंड आई एम अपडेटिंग यू गाइज. खैर, ये एनवायरनमेंट से भी लगता है आप बोर हो गए, आपको मैं एक और एनवायरनमेंट भी लेके जाता हूँ. अच्छा, अब ये वाला एनवायरनमेंट जो है ना, ये मेरा जहाँ पे मैं कपड़े चेंज करता हूँ, वो वाला एनवायरनमेंट है. क्लोज इट, ठीक है. खैर, सो मुझे सिम्टम्स कब शुरू हुए, मुझे सिम्टम्स शुरू हुए हैं 15 अप्रैल को, और मेरा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा गला ख़राब हुआ, और उसके बाद फिर थोड़ी वीकनेस हुई अगले दिन, फिर बहुत गंदा हेडेक आया था एक दिन, फिर अगले दिन तो मैं बहुत थक गया हुआ था, कुछ नहीं करके भी मैं थक गया था. फिर 3 days बैक मैं परफेक्ट फील कर रहा था, ठीक है. मुझे लगा कि शायद मुझे कोरोना ख़त्म हो गया, बट रात के टाइम में मुझे सांस का इतना ज़्यादा मसला हुआ, मुझे बहुत लाइक आई कुडंट ब्रीथ प्रॉपरली, और चेस्ट में बहुत प्रेशर था, अजीब सा कुछ हो रहा था. खैर, सो टुडे आई वेंट टू द डॉक्टर, आई गॉट माई चेस्ट एक्सरे, ठीक है, जिसका एक्सरे शाम को आएगा. बट उन्होंने उस टाइम बता दिया कि इतना ऐसा, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन योर चेस्ट, ठीक है. एंड बाकी फिर ब्लड टेस्ट वगैरह किए हैं, ये सब कुछ, यू नो, आई एम डूइंग इट फॉर द सेफ साइड, बट यू गाइज कैन ऑल्सो डू इट इफ यू गाइज थिंक यू हैव कोरोना. एंड द फन फैक्ट इज़ कि मुझे लगा मेरे पेरेंट्स को हुआ होगा, मेरे भाई को हुआ होगा शुरू के कुछ दिनों में, बट अल्लाह का शुक्र है उनको नहीं हुआ. दे टेस्टेड yesterday, परसों basically, और उनका फिर रिपोर्ट नेगेटिव आया. तो कोरोना इज़ वेरी वियर्ड, अगर आप चाहें कि आपको हो तो नहीं होगा, बट अगर आप के बैक ऑफ द माइंड भी नहीं है ना कोरोना, तो आपको फिर होगा. अब मेरे साथ वही हुआ है, आई डिडंट नो कि मुझे कोरोना होगा, बट हो गया. वैसे यहाँ पे लाइटिंग नहीं अच्छी, लेट्स चेंज द एनवायरनमेंट. सो दिस इज द एनवायरनमेंट ऑन द कमोड, देखिए मैंने क्या वाइब बनाए हुई है पीछे. ये पहले नहीं था, ये कोरोना के दिनों में मैंने ये एनवायरनमेंट अपने कमोड पे बनाया. मैं, अगर आपको लग रहा है मैं पॉटी कर रहा हूँ, तो मैं पॉटी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कमोड पे बैठा हुआ हूँ. आई एम नॉट, माय पैंट्स आरंट ऑफ, ठीक है. खैर, सो
there are a few tips which you guys can just don't eat or drink cold things like ice cream or anything. Okay, you basically, it's a form of mucus in your lungs which is really gooey and sticky, jo aapko nikalna hoga from hot things like water, kava, and you know, soup and yakhni wagaira. So try having that if you have COVID. With that, have helped me. And yes, मेरे घर वाले मुझे हर 10 मिनट बाद स्टीम देते हैं, जिससे मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतने ज़्यादा नहीं होते. सो अपेरेंटली आई हैव माइल्ड सिम्टम्स. मुझे एज सच अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, एंड आई एम रियली होपिंग टू गेट रिकवर्ड फ्रॉम दिस. तो बस अपना N95 मास्क पहन के रखें. If you want to go out somewhere, ठीक है, don't go in public areas, don't go to areas जहाँ पे लोग हो, preferably your lawn, ठीक है, धूप लें. अगर आप बाहर नहीं जाएंगे, you know, थोड़ा सा environment आपको change नहीं होगा आपके room के अलावा, तो आप मेरी तरह बहुत depressed हो जाएंगे. तो try going to the lawn, isolation में अकेले बैठे धूप लें, ठीक है, और बस आप party करें. And then wait, okay? Then just let the corona thing just go through your body and just nikal jaye, khatam ho jaye. So please be careful. And dekhe, I have learned one thing from this ke change of environment. Ek second. Change of environment. Yahan pe lighting achhi hai. So one thing I have learned from corona is ke you have to be really careful. At the end of the day, you have to be careful. Chahe jo bhi ho, you know, you have to be really careful. And this is not a joke. I thought bahut pehle ki it was a joke. It's not real. It's koi sazish. Oh my god, I can't say this. Samajh aa gayi hai main kya sazish. Sazish. Oh my god, why can't I say this? I'm sorry, but मुझे थोड़ा सा मसला है. ठीक है, if you guys have it, comments में बताओ. तो yes, Shazis. तो just be careful, ज़्यादा बाहर ना घूमें. घूमना है तो mask पहने, but corona में ना घूमें. And take care of yourself, and just don't, you know, if you have corona, कोशिश करें किसी और को ना हो, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा बुरा हो सकता है, यू नो, दे कैन हैव वर्स्ट सिम्टम्स. सो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन दिस टाइम. इफ़ यू डोंट स्टे स्ट्रॉन्ग तो आप अपने लिए काम ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं. सो लाइक जस्ट चिल, रिलैक्स, प्लीज़ डोंट ओवर एक्सर्शन ना करें. मैंने पिछले दिनों अपना कमरा ठीक किया था, उसके बाद मुझे बहुत मसला हुआ. सो डोंट डू दैट, ओके, जस्ट रिलैक्स. Just relax, ठीक है, don't work out, don't do anything, just let your body relax. You got it? So this was the vlog, and I don't know what else to say. If I get content out of these few days, so I'm gonna put it out on YouTube. And lastly, thank you so much for 90k subscribers, they mean a lot. Follow my Instagram, and this was the vlog. Just update on my life. Bye. Bye. Bye.